वेडनेसडे 10 फरवरी 2021। आज फिर से 4:30 बजे उठ के रेडी होके, राइट नाउ इट्स 5:30 और सारा पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, वी ऑल सेट टू लीव। अभी ये सब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल रात को जो नींद हुई है ना, मतलब क्रोसिन खा के जो मैं सोया था, अब ये क्रोसिन खा के क्यों सोया था वगैरह ये सब आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो दैट मीन्स यू हैव मिस्ड द प्रीवियस ब्लॉग, तो सबसे पहले वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको लिंक लगेगा कि पिछले 2 दिन से मेरी हालत क्या थी। बट यस, टुडे आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। और अभी आज का 525 किलोमीटर समथिंग जर्नी है वडोदरा से टेंट सिटी कच्छ तक, और उसके बीच में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत नए लोग मिलने वाले हैं, और जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम जा रहे हैं उसके बारे में भी शायद आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में मिल जाए, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं आपको कुछ भी बता नहीं पाया था क्योंकि मुझे ही ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो शायद इस व्लॉग में आपको उसके बारे में डिटेल्स मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड, पूरा व्लॉग देखिए, इन्फॉर्मेशन भी आएगा, नज़ारे भी आएंगे, सिनेमैटिक वाइब्स भी आएंगे और ढेर सारा मज़ा भी आएगा। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर गुजरात में एक बंजर जमीन पर कुदरत का एक नायाब करिश्मा हर साल नए सिरे से जन्म लेता है, और हर साल वो नज़ारा देखने, उस जगह को, उस हसीन अनुभव को महसूस करने दुनिया भर से लाखों लोग कच्छ की ओर आते हैं। और जब वो यहाँ से वापस जाते हैं एक बात जरूर कह जाते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। राइट, इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock, थोड़ा लेट तो हो चुका है बट everyone is ready, सब लोग अपनी अपनी बाइक पे बैठ चुके हैं, वेल ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं खुद नहीं बैठा हूँ। इट्स टाइम टू मूव, टाइम टू रोल। लास्ट व्लॉग के एंड में मैंने बोला था कि अपने टीम में अभी नए मेंबर्स ऐड हो गए हैं, लेकिन सबसे इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया था, अभी जब रुकेंगे तभी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन अपना टीम अभी टोटल जो है दैट इज़ 9 bikes and 3 cars, प्लस अभी अहमदाबाद से और कुछ लोग ज्वाइन होने वाले हैं, एंड देन कच्छ में और कुछ लोग ज्वाइन होने वाले हैं। वैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा, बिकॉज आज की सुबह मतलब 10 फरवरी की सुबह मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल अपनी इंस्टा स्टोरीज पे शेयर किया था, तो अगर आपने वो देखा होगा तो यू आर अपडेटेड, अगर नहीं देखा है तो जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। एंड एज आई एम सेइंग दैट, हम आ गए सिटी से बाहर, दिस इज द वडोदरा बाईपास, अभी लग गए हाईवे पे। बाय द वे, पूरे लाइनअप में राइड तो चल रही है, लेकिन सबसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, खूबसूरत चीज जो हो रही है ना वो मिरर में दिख रही है। You want to see? ये होती है ग्रुप राइड की कॉमेडी, अलग ही मजे चलते हैं। अभी प्रसाद दादा के क्लासिक में लगा है फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, और वो जानबूझ के अजिंक्य के आगे चला रहा है ताकि उसको मोटो ब्लॉक करने में परेशानी हो। और जैसे ही वो सामने आ जाता है ना, अजिंक्य बाइक लेके भाग जाता है आगे। ये खेड़ा टोल प्लाजा, लास्ट टाइम मैंने काउंट किया था, मतलब 2019 दिसंबर में जब GQ राइड पे आए थे ना,
वडोदरा से इट इज अराउंड 74 किलोमीटर्स, अराउंड नहीं एग्जैक्ट 74 किलोमीटर्स, और 74 किलोमीटर्स आज हमने कवर किया है एक्जैक्टली एक घंटे में, मतलब 62 मिनट्स हुए, और 62 मिनट्स में 74 किलोमीटर्स पूरा ग्रुप लेके। अब बस ऐसा क्या रॉकेट लॉन्चर क्यों चल रहा है, कैसे लोड करते हैं यार गाड़ियाँ, कितना रिस्की है ये। एनीवेज वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड अहमदाबाद, ये लोकल सिटी ट्रैफिक आपको दिख ही रहा होगा। अहमदाबाद रिंग रोड से अपने को लेफ्ट टर्न लेना है, ये आ गया सामने जो फ्लाईओवर है ना, दैट इज अहमदाबाद रिंग रोड, यहाँ से लेना है अपने को लेफ्ट। सो फ्लैग सिर्फ लद्दाख में नहीं होता है, फ्लैग अभी गुजरात का भी है, एंड इट्स सो क्यूट, इट्स ब्यूटिफुल, राइट टू रन 2021। सो दिस इज अ बिग रिवील, अभी तक मैंने जो बताया नहीं था पिछले व्लॉग में भी और सुबह से भी बताया नहीं था, दिस इज अ राइड कोऑर्डिनेटेड और यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड बाय गुजरात टूरिज्म इन एसोसिएशन विद ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ क्लब एडमिन्स, दैट इज आइका। और अभी यहाँ पे ये पूरा टीम है हमारा, सो फार दिस राइड इज गोइंग ग्रेट। और टू ऐड टू दिस एक्सपीरियंस, अभी यहाँ पे हमसे मिलने और कोई आया हुआ है सर, और एक आपको नंबर में और एक है, अच्छा वेटिंग पे हूँ मैं, वेटिंग पे हूँ यार, चीटिंग है, चीटिंग है सर, ज्यादा डिमांड में, ठीक है दो मिनट वेट करते हैं बाकी का हो जाने दो इंटरव्यू, फिर हम बात करेंगे। सो वी हैव प्रकाश सर हियर, एक प्रकाश सर आप जिनको जानते हैं जो करजत से सिंगापुर राइड कर चुके हैं, और ये दूसरे प्रकाश सर, प्रकाश पटेल फ्रॉम अहमदाबाद, ये अहमदाबाद से लंदन राइड कर चुके हैं, मतलब सारे प्रकाश जो है ना बड़े बड़े राइड करने वाले ही है साहब। सो प्रकाश सर से आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ, एक्चुअली नीलेश सर ने लास्ट टाइम भी GQ राइड के टाइम पे भी ये लोग मिले थे, बट आई हैड स्किप दैट क्योंकि थोड़ा मुझे लेट हुआ था, तो अभी मिलते हैं सर, आप खुद ही बताइए आपके राइड एक्सपीरियंस के बारे में। बस ये राइडिंग तो 2010 से मैंने स्ट्रॉन्गली स्टार्ट किया था, बुक पढ़ा मैंने गुजराती बुक पैडल पर पढ़ के इंस्पायर हुआ थे, साइकिल थे उन लोगों ने 1928 में किया था, तो मेरे को उसी दिन रात को लगा कि भाई मैं बाइक पे कर सकता हूँ, एंड आई डिसाइडेड। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट राइड, मतलब सुपर, आवर बाइकिंग कम्युनिटी जो है वो जैसे मैंने जितना सोचा था उससे काफ़ी हाइट पे है, और दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कम्युनिटी एक राइडर के लिए तन मन और धन तीनों चीज़ डाल के अपनी सेवा करती है और अपने पीछे घूमती है, अदरवाइज ये राइड हमारी कोई भी हालत नहीं, जैसे 17 कंट्रीज से बाइक अगर 600 किलोमीटर 63 डेज तक कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं, और फिर भी सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फाइनली आपसे मुलाकात हो रही है आज सर, थैंक यू, ऐसे ही लोगों से मिलाते रहो। अरे वाह, दिस इज सम सुविनियर फॉर नीलेश सर। इट्स टाइम टू रोल फ्रॉम हियर नाउ, अभी अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है चालू हो रहा है, दिस इज बीइंग कवर्ड बाय गुजरात टूरिज्म फॉर देयर प्रमोशनल वीडियोज और समथिंग लाइक दैट। फाइनली आफ्टर अराउंड 40 ऑड किलोमीटर्स अहमदाबाद सिटी का ट्रैफिक पूरा ख़त्म हो गया, अभी अच्छे खासे मोशन में चलने को मिल रहा है। एक्जैक्टली 11:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे उमरगाम से, दो घंटे प्रॉपर, दो घंटे में 150 किलोमीटर डिस्पाइट ऑफ द स्टॉप्स दैट वी टुक, पेट्रोल फुल किया,
लकीली पावर मिला, बिना ज़्यादा ढूंढे मिला, और उसके बाद फिर ड्रोन शॉट लेने के लिए रुके। सब करके भी 1:30 बजे सब लोग यहाँ पे हैं, जो ऑलरेडी क्रॉस मालिया। अभी यहाँ से आई थिंक अनदर 100 और 150 किलोमीटर्स इज लेफ्ट, मतलब आज तो 4 बजे से पहले पहुँच जाएंगे ऐसा अब लग रहा है। पहुँचेंगे तब सही है, लेकिन अभी लग रहा है कि पहुँच जाएंगे 4 बजे से पहले। लेट्स सी। मलिया में 10-15 मिनट ब्रेक लेके थोड़ा सा रिफ़्रेश होके निकले, लेकिन विद इन अ मैटर ऑफ हार्डली 1 or 2 किलोमीटर्स ऐसा लगने लगा कि टोटली दूसरे दुनिया में आ गए। इससे पहले दोनों तरफ खेत दिख रहे थे, मतलब इवन मलिया के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले जब रुके थे, जो आपने ड्रोन शॉट्स देखे, उसमें रास्ते के दोनों तरफ खेत है, और मलिया के दूसरी तरफ 10 किलोमीटर भी अभी तक नहीं आए। एंड लुक एट दिस, रास्ते के दोनों तरफ टोटली सॉल्ट पेंस, मतलब पेड़ पौधे खेत अचानक गायब ही हो गया पूरा। सच ए ड्रास्टिक चेंज 5 से 10 किलोमीटर के बीच, इट्स अमेजिंग। लुक एट दिस, आई विल ट्राई टू शो यू। यहाँ पे सॉल्ट हार्वेस्ट किया हुआ है, इतना सॉल्ट है कि पूरा जो एक्सकेवेटर मशीन्स होते हैं ना, उन मशीन से भर के मतलब ट्रक्स में लोड किया जा रहा है। लुक एट दैट, पूरी फैमिली का जिंदगी भर का सॉल्ट भी इतना नहीं रहेगा रिक्वायरमेंट। मैंने कहा था आपसे कि 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे टेंट सिटी में, और जैसा कि आप देख सकते हो हम नहीं पहुंचे हैं। वेल, इट इज़ 5 o'clock ऑलरेडी, और अभी हम भूज से 50 किलोमीटर पीछे है, मतलब टेंट सिटी से ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स पीछे। अब इतना डिले क्यों हुआ? तो द रीज़न, वहाँ मलिया से निकलने के बाद हार्डली 10 किलोमीटर में प्रसाद दादा का फ़ोन मोबाइल होल्डर में से गिर गया, जो मैंने 2-3 व्लॉग पहले जब नेसेसरी मॉडिफिकेशंस और एसेसरीज वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि आई एम अ बिट स्केप्टिकल अबाउट मोबाइल होल्डर्स। वो बात आज फिर एक बार प्रूव हो गई। तो उसका फ़ोन गिर गया, और ऑलमोस्ट 1 घंटा ढूंढने के बाद वो फ़ोन मिला, लेकिन उस पर ऐसी कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, मैं आपको पहुंचने के बाद एकदम ऐसे क्लोजअप में दिखाऊंगा कि क्या नई डिज़ाइन बनी है वो फ़ोन पे। बट एनीवेज, फ़ोन मिला, वही बड़ी बात है। तो उसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा गया, मैं और अभिजीत हम दोनों रुके थे प्रसाद दादा के लिए, बाकी सब लोग तो आगे निकल चुके हैं। इट्स 5:30 एंड वी हैव रीच्ड भुज, बस 4 किलोमीटर बाकी है। अभी बाकी लोगों का लोकेशन भी देखा नहीं है, क्योंकि पिछले 100 किलोमीटर में हम रुके ही नहीं है। 100 किलोमीटर्स वी आर राइडिंग नॉन स्टॉप। सूरज ढल चुका है, और अभी अपने को 50 किलोमीटर खावड़ा, मतलब एक्चुअल 62 किलोमीटर्स अभी और जाना है, लेकिन अब थोड़ी देर में होगा अंधेरा, और थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि भुज में एक बंदे ने बताया कि इस रूट पे वो नील गाय कहीं से भी क्रॉस करती है, वो डेंजर हमेशा बना रहता है, तो रात में स्पेशली दूर से दिखता नहीं है, तो अभी थोड़ा उस पर ध्यान देता हूँ मैं। सो आई विल जंप ओवर दिस 60 किलोमीटर्स एंड सी यू एट द टेंट सिटी इन लाइक 3, 2, 1 एंड नाउ। हाउजी में सर को मिला है प्रॉपर प्राइस, विच इज़ 1 night 2 days
फ्री स्टे फॉर अ कपल कहाँ पे 10 सिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब अभी पार्टी बनती है ना क्या बोलते हो पार्टी किधर कब नहीं 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 कमिट करो कमिट तुम लोग बोलो कब कमिट कर दो कमिटी बिठानी पड़ेगी कमिट अभी मैं बोलूंगा चलो अभी 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 यहाँ पे कमिटी बैठेगी कमिट करने के लिए किसको लेके जाता है वो वाच रखना तो अभी हम ये राउंड टेबल डिस्कशन करते हैं तब तक आप कहाँ जाओगे कहीं मत जाओ बाकी सारे वीडियोस देखो चैनल पे ही रहो क्योंकि अगला वीडियो आएगा अभी ये तो सिर्फ आपने झलक देखी है ये रन क्या है ये वाइट रन रिसोर्ट की कल का दिन कल की पूरी रात भी हम यहीं पे रहने वाले हैं तो कल भी यहाँ के बहुत सारे नज़ारे बहुत सारे सिनेमैटिक वाइब्स आपको दिखाने वाला हूँ तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो एनीवेज आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी कीप काउंटिंग किलोमीटर्स